सबक नंबर 15, हसन गंगू। बहुत दिन पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है कि दहली में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण समाज का एक आदमी रहता था, उसका नाम गंगू था। गंगू दहली में रहता था। उस वक्त दहली के बादशाह, राजा, सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक थे। मोहम्मद शाह तुगलक के दरबार में गंगू आते जाते रहता था, अक्सर जाया करता था। बादशाह और उसके दरबारी, वजीर, सब लोग गंगू को जानते थे, क्योंकि गंगू वहाँ पर अक्सर जाया करता था, उसकी वहाँ जान पहचान थी। इस गंगू के घर पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था लेकिन ईमानदार था। अपना हर काम ईमानदारी से अंजाम देता था, कभी बेईमानी नहीं करता था, मेहनती था, ईमानदार था। वो दिन भर गंगू के घर पर काम करता, उसके खेत में काम करता और जो कुछ उसे पैसे मिलते, तनख्वाह मिलती, उससे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करता था, अपना पेट पालता था। एक रोज़ की बात है, एक दिन क्या हुआ कि हसन खेत में हल चला रहा था, तो अचानक उसका जो हल था, औजार था, लोहे का औजार, वो मिट्टी के अंदर किसी चीज़ से टकराया, टकराने की आवाज़ आया और फंस गया। हसन रुक गया, सोचने लगा ये कहाँ पर अटक गया। उसने मिट्टी हटा कर देखा, ज़मीन खोद कर देखा, तो वहाँ पर एक मटका रखा हुआ था, एक गढ़ा, मिट्टी का गढ़ा रखा हुआ था और वो अशरफियों से भरा हुआ था। अशरफिया मतलब उस वक्तों का पैसा, उस वक्तों की करंसी, उस वक्तों का पैसों से वो अशरफियों से भरा हुआ था। इतना बड़ा खजाना पाकर, इतनी बड़ी दौलत पाकर हसन तो बहुत खुश हुआ, मगर वो ईमानदार था। उसे ख्याल आया कि ये जो खजाना है, ये जो अशरफिया है, ये दौलत है, ये मेरी नहीं बल्कि मेरे मालिक की है। मेरा मालिक मतलब गंगू की है, गंगू सेठ की है। वो अशरफिया लेकर गंगू के पास गया और उन्हें दे दिया कि यह खजाना मुझे आपके खेत से मिला, तो ये आप ही का हो गया। इतना बड़ा खजाना पाकर गंगू बहुत खुश हुआ, उसे हसन की ईमानदारी बड़ी पसंद आई। इस बात को उसने बादशाह को बयान किया, बादशाह को बताया कि हसन के साथ ऐसी बात हुई, हसन ने खजाना लाकर मुझे दे दिया, वो बहुत ईमानदार है। बादशाह उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बादशाह ने सोचा कि इतने अच्छे ईमानदार नौकर को क्यों ना मैं मेरे पास रख लूँ, और बादशाह ने उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। अब हसन बादशाह के दरबार में अपनी ईमानदारी की वजह से, मेहनत की वजह से काम करने लग गया। वहाँ पर भी हसन ने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से काम किया। उसके मेहनत ईमानदारी देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और बादशाह ने उसे एक दक्कन का सूबेदार बना दिया, एक रियासत का, एक इलाके का सूबेदार बना दिया, वहाँ का मालिक बना दिया। दक्कन में हसन ने लोगों के फ़ायदे के लिए बहुत से काम किए। वहाँ के लोग, वहाँ की रियाया, वहाँ के अवाम उससे बहुत खुश थे। लोगों की भलाई के लिए काम करता था तो लोग तो खुश होने वाले थे, लोग खुश थे। कुछ दिनों के बाद हसन खुद वहाँ का राजा बन गया, दक्कन का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद भी वो अपने पुराने ज़माने को नहीं भूला और अपने मालिक को, गंगू को नहीं भूला। उसने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम जोड़ दिया, यानी वो हसन था और उसका मालिक गंगू था, तो उसने अपना नया नाम बनाया हसन गंगू और अपने मालिक की याद में, मालिक की पहचान में एक अपना नाम रखा हसन गंगू। उस दिन के बाद से वो हसन गंगू मशहूर हो गया। इतना ज़माना गुजरा, उसके बाद भी उसकी ईमानदारी और उसकी सच्चाई, उसकी मेहनत आज तक लोगों को याद है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से, वाकई से हमें सीखने मिला कि इंसान ईमानदारी से और मेहनत से काम करे तो वो दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसकी बातें, उसकी कहानी, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी की बातें हमेशा ज़िंदा रहती हैं।